अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त अली और ये है मेरा दोस्त अली और आप देख रहे हैं अली रिएक्शन। वाह भाई लोग, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है जी पाकिस्तान में बिजली का मसला। अहमद खान पॉडकास्ट पाए बरकत है नूज भी कितनी देर से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते भाई। हैं कैसी तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसा है आज का पॉडकास्ट। ये वैसे पहला हमारा रिएक्शन होगा पॉडकास्ट पे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है वो ये। को मुल्क के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, मतलब मुल्क एक पेज पे नहीं है। अब आप देखें ना, आगे वाले बुजुर्ग नमाजी दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका तबाह हो जाए और पीछे वाले जवान नमाजी दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका का वीजा लग जाए। बरकत भाई और उज्वी भाई ये तो है, क्या बोलेंगे, ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये उज्वी साहब, आप पहले सीनियर आदमी, आप बताएं मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं तो कहता हूँ सीनियर और सांप जा दिखे मार दो। पाकिस्तान में अगर आपने रहना है ना, किसी ने कहा कि आपके ये चार दोस्त होना लाजमी है, डॉक्टर, वकील, एसएचओ और बदमाश। अच्छा, ये चार दोस्त होना लाजमी की बात अगर इस मुल्क में रहना। ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर आप उद्यमी है तो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात आगे बढ़ गई। देखिए, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ अमीर की शराब को शराब कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन गरीब की नस्वार को एक कांस्टेबल भी चर्च साबित कर देता है। दिस इज द मुल्क, और वो चढ़ भी जाती है। और हम सारा अलमिया पॉलिटिशियंस पे डालते हैं। देखिए, बात पता है कि हमें पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उन लोगों से है जो इन लोगों को वोट देते हैं। हाय 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 हाय। अब एक, अब देखिए, मैं उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ जो आपको बुरे लगते हैं। जो बुरे लगते हैं आप उन पॉलिटिशियन को हमारे इस जोक में मर्ज कर लीजिए। एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं मेरी अम्मी को हिचकियां बहुत आती है। मैंने कहा सर, आपने इतनी महंगाई कर दी है, पूरी कौम आपकी माँ को याद कर रही है। अब वो किस तरह कर रही है वो आपको सोच रहे हैं। हाँ, अगर महंगाई कर दी तो किस तरह याद कर रहे हैं। पॉलिटिशियन कह रहे हैं हम आपको अच्छे दिन देंगे, मतलब अच्छी रातों का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। लेकिन जो मौसम हो रहा है ना, इसमें रातों का इंतजाम होना चाहिए। इस दफा ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई? खाल सुखड़ गई है हाथ की। अच्छा, बहुत अच्छा क्लियर किया आपने, पहुंच गया था वहां तक। सुस्ती इतनी हो गई है यार, ख्वाब में भी नींद आ रही है। और कुछ लोगों मैंने देखा इतने सुस्त होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, जब वो मर जाते हैं ना फिर भी उनको लोग देखकर बोल रहे होते हैं, अबे यार जब ये जिंदा था ना तभी इसी तरह लेटा रहता था। सुस्ती की इंतहा बता रहे हो यार। हाँ, तो बात ये हालात खराब है, हालात खराब है, मुल्क के खराब है। हाँ, और घरों के हालात भी खराब है, तलाकें हो रही हैं ज्यादा। हाय हाय, तलाकों का रेशो बढ़ गया है। आप देखें ना, बाहर के मुल्कों में जब कपल्स होने के लिए जाते हैं कहते हैं गुड नाइट स्वीट हार्ट, हमारे यहाँ जब कपल्स होने के लिए जाते हैं आवाज आती है ताला सही से चेक कर लेना। तो हालात की वजह से, हालात की, आपके हालात की वजह से ना मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया। शौहर कह रहे भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है, शौहर कह रहे बीवी से तुम इतने इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? आप समझे क्यों नहीं, आप इंग्लिश फिल्में देखते नहीं हो या आप घुन्ने बन रहे? नहीं, मतलब अगर मैं ये समझ गया तो मैं गंदा बच्चा हो जाऊंगा। जब से आप लोग शो में आए ये 18 प्लस शो हो गया है, आप लोग यकीन करें। अच्छा, हमने किया है। बहुत अच्छे, इसमें आपका कोई उम्र के हिसाब से तो 3 दफा 18 प्लस है। देखिए, बात पता है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है, जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए वो मसले हेयर ड्रेसर की दुकान पे बैठ के डिस्कस हो रहे होते हैं। लोग यार ये मसले वहां डिस्कस क्यों नहीं हो रहे? और हमारे पॉलिटिशियनों का ये हाल हो गया है कि अपनी ही प्रोटोकॉल की गाड़ियों को देखकर साथ वाले से पूछ रहे होते हैं यार ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। टेंशन में, खुद टेंशन में, हम आवाम टेंशन में, ये हमसे ज्यादा टेंशन में यार, समझ रहे ना। अच्छा बरकत भाई, ये बात सही है कि अगर खवातीन जो है अगर डाकिया होती तो आधे खत खुले हुए मिलते हैं। सारे खुले हुए मिलते देखते अंदर क्या, किसने किसको क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। देखो यार, बात पता है जिसका खत होता है वो खोलता सही खत, जब वहां खत पहुंचता। हाँ, मैं समझा नहीं ये बात भी। आप वो समझ रहे हो, कह रहे यार तो मेरे खत खोल के लाया, आ जा भाई। बहुत बारीक बात कर रहे हैं ये। आप यकीन करो हर चीज से दिल उठ गया सिवाय शादी के। हाँ, मुझे एक बावन है। हाँ, आपकी एज क्या बरकत भाई? मेरी एज बाकी मेरी कितनी एज है ऑनेस्टली? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है जितनी है अल्लाह का शुक्र। आई एम 46 अनटच का वारा। 46? हाँ, 46। और अभी तक आपने शादी नहीं की? शादी नहीं की। देखिए देखिए, शादी के लिए बड़ा होना जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। ये बड़े बूढ़े कहते हैं जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, हालांकि वो खुद खड़े नहीं हो पाते थे। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियां बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग।
बहुत अच्छे यार, मतलब हम तो दो हाथ आगे भाई, मोबाइल तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, ये यार देखो ये माशाल्लाह। अबे पुराने पलंग जो खराब हो जाते हैं घर में, तुम्हारा जहन ही गंदा है। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि बीवी से रोमांस करना ऐसा है कि आप जिस्म के उस हिस्से पे खारिज करें जहाँ खारिज नहीं हो रही। लेकिन अभी तो मौसम है ना खुशकी वाला, हर हिस्से पे खारिज हो रही। अच्छा ये होता ही, और लोग ऐसे घुन्ने बन के गुजारे होते हैं बाहर, देखा करो कोनों पे ना, दीवारों के कोनों पे खड़े होते हैं। अच्छा मुझे एक बात, देखा मियाँ बीवी की बात करो ना, मैंने देखा मियाँ बीवी जब सर्दियों में ना, बल्कि हर मौसम में सवाल होता है कुछ बीवियों का, कह रहा हूँ कुछ बीवियों का, सुनिए आप जल्दी थक जाते हैं, मैं तो इतना जल्दी नहीं थकती, शोर कह रहे जानू, हमेशा पेट्रोल खत्म होता है सड़क नहीं। ये पता नहीं क्या बात है, आजकल मोटर में बन भी अच्छी गई है, दौर ऐसा हो गया आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप यकीन करो, दो दिन पहले की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म छोड़कर वॉशरूम गया, वापिस आकर देखा तो गुंडे हीरोइन को उठाकर ले गए। अभी दो मिनट तो ठहरते, मैं अभी जहन बना के गया हूँ, अभी आ रहा था, तुमने अपना काम निपटा दिया, मेरा काम तो अधूरा रह गया। उससे पहले क्या सीन था जो आप वॉशरूम गए? उसके था कि वो बाप बेटी को समझा रहा था, वो बाप ही था। हाँ, एक तो पता नहीं पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते, ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, ये नहीं मिलेंगे हमें, ये आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा आपको पता है वॉशरूम में मारी जाने वाली चीजों में कॉकरोच आज भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर है मोबाइल। मुझे भी बदनाम कराओगे, कॉल नहीं मिल रही यार, देखो इतना ऐसा लगाऊं मैं, जो मारते हैं। हाँ अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बात पता है क्या, मैं एक सीरियस बात करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग बिलो दी बेल्ट बात कर रहे हैं। देखिए मोहब्बत क्या है, क्या मोहब्बत झुकना सिखाती है, कभी घुटनों तक कभी पेशानी तक। जो आप सोच के बैठे हैं वो भी सही है, आपके घुटने ऐसे ऐसे हाँ। देखिए बात पता है क्या, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था जब हम शुरू में बैठे हुए थे ऑफ ईयर। देखिए हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है, पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, नीचे से गिरे खानदान बन जाता है। ये देखो अच्छा कौन से फ्लोर की बात की, ये ग्राउंड फ्लोर पे जब पानी जमा हो जाता है ना गुड्डे गुड्डों तक, तो खानदान कैसे बनता है, खानदान भी ऐसे बनता है। आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं ना, हाँ तो नीचे फ्लोर पे खानदान नहीं बना हुआ क्या? हाँ भाई अब बात पता नहीं कैसे कवर करो करो, आप कहाँ जा रहा है आपका यार, हमारा भी वहीं जा रहा है, वहीं तुम लोग बहुत यार ना यार। देखो मैं पता क्या कहता हूँ, देखो सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताऊँ, सूरत हाल ऐसी होगी हम नौजवानों की कि रात को ख्वाब नकली आते हैं और माल असली निकल जाता है, जो पुलिस पकड़ लेती है नाके पे, हाँ। असली माल होता है वो निकल जाता है। देखो ये अच्छा। इसलिए तो मेरे साथ कितना अच्छा कवर करता है, लेकिन आवाम गालियां दे रही नीचे। हाँ, सारा कवर मैं ही करता हूँ इसका। हाँ। देखिए बात पता है क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है सूरत हाल ऐसी है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये होता भी है कि इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पर खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। ये कैसी बात है यार, जब बारिश वगैरह होती है उसमें कपड़े कम पहन के नहाना पड़ता है, एंजॉय करता है। और मैंने देखा है आप सूट में तो बारिश में नहाएंगे नहीं, जाके छत पर हर बात को क्लियर करना जरूरी है, पब्लिक को पता है ये क्या गंदी सोच के लोग बैठे हैं। नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं तुझे को समझ में नहीं, समझ नहीं, धंधा कहाँ का है बिल्कुल, समझ में नहीं, इतना बड़ा शो कर रहा है, मिलियन में व्यूज है, समझ कुछ नहीं आ रही, इसीलिए तो है व्यूज के, समझ ना आ रहा है। अच्छा आप ऑडियंस जिनकी बातें समझ आ रही है उनके व्यूज नहीं आ रहे, अच्छी बात। अच्छा बात पता है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा, आपने भी नोटिस किया होगा, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे, हाथ में लाखों रुपए के सेल फोन है, लेकिन सोच वही 10 रुपए वाली। अरे इंसान महंगे कपड़े पहनने से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा उस वक्त होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? वो किसी को दे देता है। हाँ कपड़े, हाँ क्या कहेंगे आप बताइए। तकरीबन बरकत भाई पहला फैमिली जोक सुनाया आपने, ये सवाल है मुझे, बाकी वाले भी फैमिली से जोक सुन के फैमिली बनती है, जहन बनता है पहले। उसमें भाई क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और बरकत भाई आपकी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है माशाल्लाह आपकी माशरे पे एक रिसर्च है, तो ऐसा लगता है बहुत आप क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर है आपकी। इन्होंने एमए किया है मनीषियत में, मैंने बताया इन्होंने पीएचडी किया पिज्जा डिलीवरी। देखिए बात ही पता है कि हम गुरबत की वजह से पढ़ नहीं सके, क्योंकि हमने कभी स्कूल में पोजीशन लेने के लिए मुनाफकत नहीं की, हमेशा दूसरों को मौका दिया, चल भाई तू आगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे दरियों पे बैठ, हाँ और हमारे जमाने में हर सब्जेक्ट हमसे नफरत करते थे, बल्कि हम सब्जेक्ट से नफरत करते थे। अब बात पता है क्या, हमारा जो ना हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन हमें बुरा लगता था, हर सब्जेक्ट में हमने हमारे जो है ना वो ऐसा होता था, लेकिन मैथ जो होता था ना मैथ, ओए होए और मैथ आपको पसंद था? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया, मैथ के टीचर पसंद हैं,
और हमारी मैथ्स की टीचर हमें कंफ्यूज करती थी, एक दिन मुझे कह रही है 5 और 5 10 होते हैं, मैंने कहा ओके चलो 5 और 5 10 होते हैं, मैं सेटिस्फाई हो गया। अगले दिन कह रही है 8 और 2 10 होते हैं, मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, कल कुछ और कुछ और। फिर तीसरे दिन कह रही है 6 और 4 10 होते हैं, मैं और कंफ्यूज, मैंने कहा एक बताओ भाई कितने कितने 10 होते हैं, उलझाओ नहीं। हाँ। उलझाते थे वो बताना चाह रहे थे कि 10 होते हैं, आपको नहीं पता। हाँ, और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। क्या अहमद के पास 5000 रुपए हैं, रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे अहमद की तो डूब गई था अहमद मकरूस बच्चे थे, अरे बच्चे नहीं थे बच्चे हाँ। थे। अच्छा देखो बच्चे बच्चे बच्चों के चेहरे पर नूर क्यों होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, साजिश है नहीं। वो एक बच्चे का कहना, या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए या फिर मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाए। आजकल के बच्चे इतने शरारती, इतने ज़हीन, मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन है, घर में बुजुर्गों की तबीयत देखकर खुद ही माइंड बना लेते हैं 3 दिन की छुट्टी आने वाली है, मैं बता रहा हूँ, खुद ही जहन मना लेते हैं अभी। और एक बच्चे का कहना है, आज के दौर के एक बच्चे का कहना है, और अच्छा कहना है कि हालात ने हमें ऐसा सबक सिखाया कि हम शागिर्द बनने की उम्र में उस्ताद बन गए। देखो ना बच्चे अंदर से 35-40 साल के हो रहे हैं, 18-12 साल के, लेकिन 45-70 साल का दिमाग। मैंने क्या पढ़ा था, शौहर ने ना बीवी को मैसेज किया कि अगर मुन्ना सो गया तो मैं आ जाऊँ, रिप्लाई आया अम्मी सो गई आ जाए। प्यार जो है ना वो कर लेना चाहिए, जब मौका मिले कर लो। कभी प्यार किया? कितनी देर तक किया? करते हुए देखा। आजकल मौसम चल रहा है ब्रीड का। देखिए हम सफर खूबसूरत नहीं, सच्चा होना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चा होना चाहिए। वाह बात को गंदा करो, मेरी इमेज खराब कर रहा है। बच्चा तो चले सही है। हाँ। बच्चा तो सही हो रहा है। हाँ। अच्छा शादी के बाद बच्चे ही होंगे और क्या। हाँ, शादी का बच्चा ही होगा। अच्छा सिचुएशन पता है क्या, देखिए आजकल के लड़कों को मैंने नोट किया, आजकल के लड़कों को 40 साल की आंटियां भी हॉट लगती हैं और लड़कियों को 25 साल का लड़का भी बूढ़ा लगने लगता है। कुछ लड़के ना मैसेज पे स्वागत मना लेते हैं। मैसेज भी ये हो रहा है माशरे में भाई, लिख के, आप सोचो लिख के मना ली, सामने हो तो क्या करता। अच्छा देखो मेरी बात समझ में नहीं आती, लड़कों के पास जब बातें खत्म हो जाती है तो चूमना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या मोबाइल? देखो मोहब्बत का क्या, मोहब्बत की सूरत अलग से, मोहब्बत में जो सवालत होते हैं ना, बिना सवाल, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हारी अम्मी क्या करती है, लड़की कह रही उनका ब्यूटी पार्लर है, वो दुल्हन तैयार करती है, लड़का कह रहा है अच्छा मेरा अब्बा भी दूल्हा तैयार करता है, लड़की कह रही उनका भी ब्यूटी पार्लर है, लड़का कह रहा नहीं वो अकीम है। मैं बता रहा हूँ ये मोहब्बत में जो सवालात होते हैं ना, अच्छा, ये तैयार करने के लिए ट्रायल भी लेते होंगे। हैं ये मर्दाना कमजोरी का शायद आपने सुना है, जहाँ तक मैं मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना दिया, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना दिया, ये मर्दाना कमजोरी का ना लतीफ यार, नहीं ये जनाना कमजोरी का है। जिस मुल्क की दीवारों पे इतने मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारात हो, उनके मर्द जन्नत में जाके हूरों को क्या मुंह दिखाएंगे। पूरी दीवार पे लुंडा बाजार लगा होता। हाँ। खुदा की कसम आप देखिए आजकल की लड़की ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब आप देखो बस स्टॉप पे कवारी लड़की प्रेग्नेंट औरत को हसरत भरी निगाहों से देख रही, लड़का लड़की के कान में आके कह रहा है मेहनत कर हसद ना कर। अच्छा बात पता है क्या, मैंने कुछ लड़कियों को देखा उनके नखरे, उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती, उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही होंगी एक्सक्यूज मी मैं शीशे वाली साइड पर बैठूंगी। हाँ। नहीं खत्म हो सकती उनकी फरमाइश, ये प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है। मैं मेडिकल स्टोर पे जाके कहती हूं ये गोली किसी और कलर में दिखाएं। हाँ। अच्छा बात पता है कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। अबे भाई जवाब तो दो यार। हाँ। लड़के लगे में मुसलसल लगे में और लड़का, लड़का मोटरसाइकिल पे बेचारा टाइपिंग कर रहा है। आए, आए, आए। और ये बर्तन धोते हुए नहीं कर पा रही। आप ये देखिए कोई लड़की अगर कहते हैं ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था कोई लड़की अगर कहते हैं ना नेट स्लो था तो समझो वो बर्तन धो रही थी। अच्छा एक बात है जी, फील्ड में इतने सारे सेलिब्रिटी है, इतने सारे कॉमेडियंस है, सबके स्कैंडल सामने आ चुके हैं, कोई ना कोई सबका स्कैंडल का साइज पता लग चुका है आवाम को, लेकिन यार आप दोनों का स्कैंडल नहीं आया अभी तक, बरकत भाई खास तौर पे आपका। इसका चक्कर है इसकी बीवी के साथ। और मेरा केस भी कर दिया था आपकी वाइफ ने कि मेरा शौहर मुझे गंदी नजरों से देखता है। केस नहीं किया था, एप्रिशिएट किया। आजकल की व्हाट अबाउट यू? नहीं मैं इस पे आता हूँ, देखो बात पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हुए देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि अगर चक्कर में पड़ोगे ना तो धुलाई लाजमी है। तो मैं देखो तो सुबह उठते ही कपड़े धोने पड़ते, कपड़े धोने पड़ते हैं। हाँ सुबह उठते ही मेरी अम्मी कहती बेटा चलो शाबाश। हाँ तो बात पता है क्या, देखो नहीं तो लोअर धो लो। हाँ और ज्यादा लोअर ही धुलता है।
तो भाई लोग ये था आज का हंसी से भरपूर पॉडकास्ट। ठीक यार, जो जो बातें इन्होंने की हैं, ये कोई बंदा रिसर्चर हो ना, ये वैसे तो कॉमेडियन है, लेकिन जो बंदा रिसर्चर हो, उम्र इनकी कितनी कितनी है और इतनी इतनी रिसर्च की हुई है इन्होंने, 46 है वैसे, लेकिन इसकी लगती नहीं है इतनी 46 का, ये 32, 33, 35 का लगता है 46। यार इतनी रिसर्च करके कैसे कैसे जोक्स बना लेती है। मेरी तो बखियों में दर्द होना शुरू हो गया। बखियाँ कित ऐसे कितने होती हैं ये? हाँ ये बखियों में दर्द शुरू हो गया। और ये जो गाल है ना, ये चिक्स चिक्स तो ये चिक्स चिक चिक्स हो गए थे। वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। पार्ट वाइज बना लेंगे। अगर आपकी सजेशन हुई कि आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप इसका दूसरा पार्ट भी बनाएं, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए हम इधर तक ही महदूद रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ये तो नहीं कहना था, ये बोलना था जाते खाते नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते जल्दी फिर दोबारा मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, कमेंट्स में अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट करें, इंस्टा पे मस्त फॉलो। तो अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।